कोरोना का पहला आक्रमण, फिर दूसरी लहर का प्रचंड रूप और अब तीसरी लहर का डर। उपाय: मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें और इस बीमारी से अपने आप को और पूरे परिवार को सुरक्षित रखने के लिए वैक्सीन सबसे जरूरी है। वैक्सीन जरूर लगवाएं, लोग जागरूक हों और 100% वैक्सीनेशन हो, इसके लिए परासिया विधायक सोहन वाल्मीकि ने इनाम देने तक का ऐलान कर डाला है। लोगों में वैक्सीन के प्रति जागरूकता की कमी को देखते हुए परासिया विधायक सोहन वाल्मीकि ने ऐलान किया है कि जिन पंचायतों में 95% लोग वैक्सीनेटेड हो गए, उन्हीं पंचायतों को विकास कार्य हेतु राशि मिलेगी। छिंदवाड़ा के परासिया विधानसभा विधायक सोहन वाल्मीकि ने पहल करते हुए वैक्सीन लगाने पर इनाम देने की घोषणा की है। इनाम के रूप में विधायक निधि से जनपद पंचायतों को 10 लाख रुपए के विकास कार्यों और ग्राम पंचायतों को सामुदायिक भवन बनवाकर दिए जाएंगे। विधायक सोहन वाल्मीकि ने जनपद पंचायत परासिया के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को एक पत्र लिखा है, जिसमें विधायक ने ग्रामीणों को वैक्सीन के प्रति रुचि नहीं होने का जिक्र करते हुए लिखा है कि सभी ग्राम पंचायतों और जनप्रतिनिधियों के द्वारा ग्रामीणों को वैक्सीन के प्रति प्रेरित करने और उत्साह और मनोबल बढ़ाने का कार्य किया जाए और परासिया विधानसभा की जो भी जनपद पंचायत अपनी आबादी के 95% ग्रामीणों को वैक्सीन लगवाएगी, उसको विधायक निधि से 10 लाख रुपए की राशि विकास कार्य हेतु पुरस्कार के रूप में दी जाएगी। साथ ही ग्राम पंचायत में सामुदायिक भवन का निर्माण भी विधायक सोहन वाल्मीकि अपनी विधायक निधि से करवाएंगे। आज मेरे द्वारा मेरे विधानसभा क्षेत्र में मैंने एक घोषणा करी है कि जैसा सब जानते हैं कि वैक्सीनेशन का काम चालू है, परंतु मेरे विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारी ग्राम पंचायतें, ग्राम ऐसे हैं जहां ग्रामीण जन बहुत कम मात्रा में वैक्सीन लगा रहे हैं। स्वास्थ्य अमला जाता है मगर वो लोग वैक्सीन नहीं लगाते, उनके मन में डर और भय है। मैंने हमारे जनप्रतिनिधियों से बात किया तो आज मैंने अपनी विधायक निधि के माध्यम से इस बात के लिए घोषणा कराई कि जो ग्राम पंचायत जनसंख्या के आधार पर 95% से ज़्यादा यदि वैक्सीनेशन का काम करती है और वैक्सीन लगवाते हैं वहाँ के लोगों को, तो मेरे विधायक निधि के माध्यम से मैं 10 लाख रुपए विकास कार्य के लिए दूंगा, साथ ही साथ एक सामुदायिक भवन भी दूंगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।